Benjamin Minister will give it. We also welcome the esteemed dignitaries, Mr. S. S. Mudra, Chairman, Bombay Stock Exchange, so please come on stage. Mr. Nilesh Vikram Singh, Past President, ICAI. Formal and boring, so I try to make it as much fun as it can. Since there are lots of women entrepreneurs here, I'd like to start with saying that we still are 18% women entrepreneur country, and that is very, very sad. During a friend of mine who works at LinkedIn said that this number with me, in the last we are reaching the target of 1 lakh women in leadership roles, but it's still looking like a task. We, Vietnam, Thailand at 34% and 29% are doing better than us. But what is the reason for this? It's got to do more with the psychology that I think my father fought. Make you healthy and more wealthy and on the path of recovery. Now, रेडी की है महिलाओं की कितनी इम्पोर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और आज जो देश में चल रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे हम आज हम लोग यहाँ पे बीएससी में आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और एक ये मुद्दा डिस्कस करने कि इंडिया में सिर्फ 5800 वुमेन डायरेक्टर्स हैं तो हम लोग एक ग्रीन आर्मी पे काम करते हैं जो कि जो रूरल वुमेन है गुजरात में बिहार में यूपी में झारखंड में हम उनको इम्पावर करते हैं सेल्फ डिफेंस में और उसके बाद वो उनको सक्षम बनाते हैं कि वो खुद से अपने आप पे पैरों पे खड़े होकर अपनी काम कर सकें अपने लिए कमा सकें ताकि वो अपने परिवार का संरक्षण कर सकें और इसके लिए हमारा ये काम करीबन 4 साल से चल रहा है और ये पैंडेमिक में शुरू थोड़ा पहले उससे शुरू हुआ था वो हमने वाराणसी में काफ़ी काम शुरू किया था उनको राशन दिया सारे लोगों को कपड़े दिए और ये सब किया तब हमें ऐसे गांव मिले जहाँ पे काफ़ी मेल अल्कोहलिज्म था और वो अपने घर में जो औरतें हैं उनको काफ़ी मार पीट हो रही थी बच्चे भी ड्रग्स लेने लग गए थे तो हमने ऐसे विलेजेस में काम शुरू किया और उसके बाद हमारा ये कंक्लूड हुआ ग्रीन आर्मी स्वयंभू ग्रीन आर्मी का मकसद है औरतों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सेल्फ डिफेंस सिखाना और उनके लिए व्यापार जनरेट करना आजकल औरतों के लिए व्यापार की बहुत ज़रूरत है उनको सिखाना कि उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए उनको हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज़ बनाई है मोदी जी ने औरतों के लिए काफ़ी कुछ सब्सिडीज़ बनाई है जिससे उनको दिया बनाना सिखाया जा सकता है चटाई बनाना जब वो ये सब सीख लेंगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है और हमने हमारी स्वयंभू ग्रीन आर्मी में औरतों को सिखाया कि एक साथ जुड़ के यूनिटी से काम करो आज देखते हैं कई क्षेत्रों में जैसे कि अगर आज आप डायरेक्टर बनते हो या सीईओ बनते हो तो एक औरत दूसरी औरत को ही नीचे खींचती है पर हमने हमारे स्वयंभू ग्रीन आर्मी को सिखाया है साथ में मिलके काम करो एक दूसरे को आगे बढ़ाओ और एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनकर आगे बढ़ो जब हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे वाराणसी से अब हम हमारी ग्रीन आर्मी को झारखंड ले जा रहे हैं राजस्थान ले जा रहे हैं गुजरात ले जा रहे हैं क्योंकि जितनी औरतों को जितनी लोगों को सक्षम बनाएंगे कि वो अपना खुद का स्वयं का काम शुरू कर सकेंगे फिर वो आने वाले टाइम में अपने से और 50 को सिखाएंगे तो 200 को वो आगे ट्रेन करेंगी तो स्वयंभू ग्रीन आर्मी का यही मकसद है थैंक यू सो मच